स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बेस्ट लोकेशन में, ठीक है, और टर्की परफेक्ट लोकेशन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान समी। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बाई प्रोफेशन। आई एम एन एक्टर एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर आदिल समी साहब। एंड आदिल साहब, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, माशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू एंड वी वेलकम यू टू टर्की। अल्हम्दुलिल्लाह, से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं आपको जानते हैं, आपका फेमिलियर फेस है। माई नेम इज़ आदिल समी, सी ओ फॉर्चून ग्रुप ऑफ कंपनीज। इट्स बीन लाइक 6-7 ईयर्स वी आर इन इस्तंबुल वर्किंग ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो पहले तो आपको मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह आपका आना बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, मुंतज़र थे, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो कैसा जा रहा है आपका अब तक माशाल्लाह? मुझे अभी आए हुए 3-4 दिन ही हुए और आई रियली लाइक दिस सिटी। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हिस्टोरिक जगहें भी हमें देखने को मिली हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं। फिर आपसे मुलाकात हुई। और अच्छा, मुझे आप ये बताएं, बहुत सारी चीज़ें मैं तो खैर नहीं जानता, आप जानते हो कि हाउ इज़ लाइफ इन टर्की? अच्छा रुमान भाई, इस पर हम देखें ना तो लाइफ अगर देखा जाए यूके को, पाकिस्तान को, अगर आप मिक्स कर दें तो टर्किश लाइफ बनती है। कुछ चीज़ें वहाँ की हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की हैं, यूरोपियन टच भी है, हमारा इस्लामिक टच भी है, दोनों चीज़ें मिलती हैं आपको। मैं बार बार एक बात करता हूँ, आपको दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और दैट वाज द रीज़न, आप भी माशाल्लाह ख़ुद भी यूके में रहे हैं, वहाँ पे सोल नहीं है, यहाँ पर आपको सोल मिलती है क्योंकि अजानें हैं, नमाजें हैं, खाना हलाल है, सब कुछ आपको मिलता है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप कहीं भी जाएँ, यानी यू आर लिविंग इन यूरोप, हम इस्तंबुल में और यहाँ पर ये यूरोप में आता है, और आप जहाँ भी जाएँ आपको हलाल फूड मिल रहा है, आप सब कुछ खाते हैं, KFC खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और एक मज़े की चीज़ ये भी थी कि इस्तांबुल बेसिकली आधा जो है वो यूरोप में है और आधा एशिया में है, तो ये भी इट्स वेरी बिल्कुल ये जगह यूरोपियन साइड है, हमारे बिल्कुल पीछे जो है वो एशियन साइड आ जाती है, तो इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल सिटी। तो आपका तो फर्स्ट टाइम है यहाँ? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो माशाल्लाह, यू विल गो एंड लव दिस, यू विल एंजॉय दिस इंशाल्लाह। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशनशिप है ये अब कहाँ जा रहा है? यानी कि चनमान भाई, इस पर हम देखें तो माशाल्लाह बीन आप जिस तरह एक्टर हैं, आप भी देख रहे होंगे और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो एक जब मुल्क जब ग्रो करता है ना, या जब दो कंट्रीज़ आपस में करीब आते हैं, तो सबसे पहले उनकी टीवी इंडस्ट्री करीब आती है, क्योंकि दैट बिकम्स अ ब्रिज लोगों को करीब लाने में, ठीक है। गवर्नमेंट का तो बाद में काम आता है। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान से यहाँ पर एक्टर्स आ रहे हैं, बीन लाइक यू अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से पाकिस्तान लोग जा रहे हैं और बहुत आजकल हो रहा है। तो इस वजह से आई बिलीव कि दोनों मुल्कों के रिलेशन आने वाले टाइम में, अगले 2 सालों में बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं, और जिसकी गुंजाइश भी बहुत है और ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि हम सबसे बड़ा मुल्क हैं अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में देखा जाए। टर्की जो है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से जा रहा है सब दुनिया का, जिसकी फास्टेस्ट GDP में से जा रहा है,
और इंशाल्लाह व्हाट वी बिलीव विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years ये टॉप 10 GDPs में से आ जाएगा। तो और क्या चाहिए, इकोनॉमी है हमारे पास, वसाइल हैं दोनों मुल्कों के, अगर आपस में मिल के चलें ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम हैं। आई बिलीव अगर हम दोनों मुल्क साथ में चलते हैं, पाकिस्तान और टर्की, तो हमें तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। बार बार इस चीज़ पर मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, कुछ पिछले इंटरव्यूज़ में जो हमारे हुए उसमें भी मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया कि वी डोंट नीड एनी थर्ड पार्टनर इन बिटवीन अस। अगर हम पाकिस्तान और टर्की आपस में अगर फ्री ट्रेड का मुआहदा कर लें, जिस तरह टर्की ने यूके के साथ किया है, यूरोप के साथ किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उससे दोनों मुल्क फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारा कल्चर वैसे ही थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, ज़ुबान का डिफरेंस है, मगर वो भी ना कुछ हद तक अगर लोग आना जाना शुरू करेंगे तो वो भी कवर हो सकता है। अच्छा हाँ, मैंने काफ़ी नोट किया कि टर्किश जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं जानते। वैसे वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, यानी अगर टर्किश लोग वहाँ पे आना शुरू हो जाएं तो बहुत सारे लोग उनको ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे, वो सिर्फ उर्दू जानते होंगे या पंजाबी जानते होंगे, वो अपनी इलाकाई जो ज़बान है। लेकिन दे आर वेरी वेलकमिंग, पाकिस्तान के भी लोग अच्छे होस्ट हैं और टर्की के भी लोग काफ़ी अच्छे होस्ट हैं। टर्की के काफ़ी एक्टर्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनको देखें कितना अच्छा वेलकम किया है, और यहाँ वहाँ के एक्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको भी कितना अच्छा वेलकम यहाँ मिल रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड। और फिर आप मुझे कुछ बता रहे थे कि जो बिज़नेस है टर्की का वो किस तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर देखें ना, मैं पहले GDP के ऊपर हम आते हैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह ख़ुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हम बात करें ना, उस पर फिर वो बिला वजह कि हम उसके ऊपर कैसा रायान नहीं कर सकते कि यार ये मिस्टर आदिल समी गलत बात करें या मिस्टर नुमान गलत बात करें। फैक्ट्स और फैक्ट्स, फैक्ट्स और फैक्ट्स, बिल्कुल वो आप कहीं से भी वेरीफाई कर लें। हमारी इकोनॉमी तकरीबन $250 बिलियन की है, इनकी GDP जो है वो $750 बिलियन की है, हमारी आबादी 220 मिलियन की आबादी है, इनकी आबादी तकरीबन 80-85 मिलियन की है। स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान बेस्ट लोकेशन में है, ठीक है, और टर्की परफेक्ट लोकेशन में। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं अमेजिंग, अगर हम उनके साथ ट्रेड शुरू कर दें, मगर टर्की को अगर हम लॉजिस्टिकली देखें ना, तो इट्स सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आपके एक साइड पर यूरोप है, एक साइड पर एशिया है, एक साइड पर आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ मिल जाते हैं, ऊपर इस साइड पे चले जाएं तो आपको रशिया मिल जाता है, यूक्रेन मिल जाता है, उधर से कनाडा US खुल जाता है आपके लिए। तो अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ लॉजिस्टिकली यहाँ से काम कर लें ना बैठ के, पाकिस्तान में अगर आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ से सामान यहाँ लेकर आए, यहाँ पे पार्क करें, यहाँ से आप पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दें। अभी हम गाड़ी में भी उसकी एलन मस्क की और जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, देखें ना क्या किया है अमेज़न ने। इन दिस वर्स्ट केस सिनेरियोस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका रेवेन्यू है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। मेरे ख्याल टर्की उस रूट में आता है ना, आता जो है, आप बिल्कुल बेसिकली हाँ। क्योंकि देखिए आपके बिल्कुल बराबर में तो यूरोपियन सारी कंट्रीज हैं, और यूके क्या करता है, यूके के पास तो खुद तो कुछ भी नहीं है ना, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं है, सारा सर्विसेज के ऊपर काम है, सारा यूरोप से वो सामान लेता है। तो वाई नॉट हम पाकिस्तानी जितने भी हैं जो कारोबारी लोग हैं वो यहाँ पर आएं, यहाँ पे बैठ के यूके को माल सप्लाई करें, फ्री ट्रेड का फायदा उठाएं। तो चाम तो बहुत है, मगर फिर मैं वही बात करता हूँ कि हम एक्सप्लॉइट करने में भी बहुत आ गए हैं पाकिस्तानी जो है ना। तो काम हो सकता है, अभी जो एंगन आल्टन के साथ हुआ जो पाकिस्तान गए, तो चीज़ें जो हैं हम अगर अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे और अपनी कौम को अपने मुल्क को एक बड़ा मफाद लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है टुगेदर वी कैन हैव एन अमेजिंग ब्राइट फ्यूचर। अच्छा मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि टूरिज्म जो है आजकल टर्की का वो सबका बहुत ज़्यादा रुझान है उस तरफ, यानी पाकिस्तान से भी बहुत लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अब मैं ये देख रहा था कि कोविड की वजह से लोग कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन टर्की जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे वो हाल मिला जो यूके में और दुबई में मिलता है कि लेन्स की लेन्स भरी पड़ी हैं और लोग आ रहे पूरी दुनिया से। तो उससे क्या आपको लगता है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा देखें, कोविड से पहले 45 मिलियन टूरिस्ट आता था यहाँ पे। हमारा जो टर्किश IG है इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। जितनी हमारी पाकिस्तान की आबादी है 220 मिलियन की, उतनी उस अकेले एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सालाना। तो दे आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, वी आर लिविंग इन द फ्यूचर एट द मोमेंट, कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जिसमें 220 मिलियन को सालाना मैनेज कर सकता है वो, कि अगर पूरा पाकिस्तान यहाँ पर उठ कर आ जाए तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है एक एयरपोर्ट की, ये मैनेज कर सकते हैं। बस स्टिल आपने बिल्कुल ठीक कहा,
कि पूरी दुनिया जहाँ पे बंद है, टर्की वहाँ पे स्टिल वर्किंग. लास्ट ईयर देखा जाए तो 10-12 मिलियन के आसपास टूरिस्ट आए हैं, जो कि बहुत बड़ा झटका है टर्किश इंडस्ट्री को, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग. क्योंकि देखें, हम हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं ना, इनकी 4-5-6 हज़ार साल की हिस्ट्री है, तो दे डजंट केयर. मुझे नहीं लगता कि इनकी सेहत पे कहीं पे कोई फ़र्क भी पड़ता है. नहीं पड़ी, आती जाती रहती हैं. बड़ी बहारें देखी हैं शहर ने, बड़ी जंगें देखी हैं शहर ने, बड़े आई थिंक दिस इज स्टिल बहार फॉर देम, क्योंकि पूरी दुनिया बंद हो गई है और ये तो बंद नहीं हुए. बिल्कुल, ये नेमत है इनके लिए. हाँ. और उसी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं. मैं कहता हूँ इस खत्ते को ना बड़ी दुआएं हैं, बड़ी दुआओं के साथ ये चल रहा है. अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी कि आप जो हैं, आप माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, सब कुछ है. आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमें टर्किश इन्वेस्टर्स चाहिए, तो वाई नॉट यू एज वेल? बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. देखें, पाकिस्तान में हम तीसरी चौथी नस्ल है जो कारोबार कर रहे हैं. हमारा स्टिल पाकिस्तान में भी कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह से, टर्की में भी कारोबार है, इसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं. जो सीड है ना, जो अगर आदिल समी साहब की बात की जाए, जो सीड है वो पाकिस्तानी सीड है. यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, आप भी बीना से, मैं आपको जिस तरह भी कह रहा था, यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो कि यहाँ पे बैठा है, और माई सेल्फ, मैं खुद यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हूँ, जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और टर्की के मामलात को बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम लेके जाएं. कोई नहीं सोच रहा इस तरफ, ठीक है, मगर मेरी अपनी, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ठीक है, और उसी को मैं मिलाने में लगूँगा. सब लगे हुए हैं कि यार मैं उसको खींच लूँ, मैं उसका रिस्क ले लूँ, उसका रिस्क ले लूँ. पहले तो हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता. एग्जैक्टली, जो आपके नसीब में. बिल्कुल नसीब में. और दूसरा, अल्लाह ने इज्जत देनी है, अल्लाह ने जिल्लत देनी. सही बात. तो हम किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दें, किसी का रिस्क छीन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को. जो अल्लाह ने देना है वो मिलना ही मिलना है. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी है. पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और बाकी भी है. क्योंकि मैं तो खुद को मानता हूँ कि आई एम द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड. एक जगह बाउंड होके ना बड़ा मुश्किल है बैठना. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर है, यहाँ से आगे भी कंपनीज बना रहे हैं, आगे भी काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो बेसिकली, अच्छा वैसे ये तो हमारी फर्स्ट सेटिंग है, एंड जितना मैंने टर्की देखा है, मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा आना होगा. बिल्कुल, और बिल्कुल. बार बार आना होगा, फिर हम लोग दोबारा बैठेंगे, एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट. और फिर देखते हैं इंशाल्लाह. और फिर आपका भी वेट होगा कि आप भी हैं पाकिस्तान. वेलकम फॉर श्योर इंशाल्लाह. और आपका, जब आपका प्लान बने, यू आर ऑलवेज वेलकम है इंशाल्लाह. आपका अपना घर है, आपका अपना ऑफिस है, आपका जब दिल करे, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू इंशाल्लाह. थैंक यू. और इंशाल्लाह सून हमारा भी प्लान पाकिस्तान का बनेगा, तो इंशाल्लाह मुलाकात पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान में आपके फैंस हैं या जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं उनको कुछ? नहीं, ऑल आई वांट टू से इज मैं टर्की आया हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. एंड आदिल समी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट होस्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम हियर अगेन एंड टॉक टू हिम एंड मीट हिम इंशाल्लाह. एंड दैट्स इट गाइस.